अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेलकम टू ऑन माय चैनल, दिस इज़ रुबा। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम सबसे पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो मैंने चाय रख दी है चूल्हे पर, और ये चाय बन जाएगी इतना, और मैं इसके साथ ये अंडे बना लूँगी। अंडे के अंदर मैंने प्याज, नमक और मिर्च जो है वो शामिल कर दी है। ऑमलेट बनाऊँगी, हमारे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। चाय हो चुकी है रेडी, और मैंने साथ ही जो तवा रखा था वो भी हो गया गर्म, तो उसमें मैं ऑमलेट बना लूँगी। नाश्ता बिल्कुल हो चुका है रेडी, और सिंपल सा नाश्ता है। तो अब मैं शाहरान को उठाने जाऊँगी। आजकल वेकेशन चल रही हैं, तो बच्चे थोड़े देर से ही उठते हैं, तो शाहरान को भी उठाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी ये उठेंगे, नाश्ता करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा अपना होमवर्क करेंगे। नाश्ते के बर्तन मैंने धो दिए हैं, अब मैं थोड़ी सी घर की सफाई कर लूँगी। तो घर की सफाई करने से पहले आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से हमारा घर अब इस टाइम फैला हुआ है। गर्मी बहुत हो जाती है, तो पेडिस्टल फैन बहुत ज़रूरी हो जाता है इधर लगाना, क्योंकि हफ्स हो जाता है पूरे कमरे में। तो हम लोग पेडिस्टल फैन यूज़ करते हैं इस कमरे में ख़ास तौर पर। तो रात को अब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा तो नहीं होती, लेकिन काबिले बर्दाश्त होता है कि आप इस कमरे में सो जाएं। अब इसको मैं रख रही हूँ इसकी जगह पर। तो ये कंप्यूटर टेबल का हाल कुछ इस तरह से हुआ हुआ है। और सबसे पहले अब मैं ये चादर झाड़ लूँगी, और बिस्तर जो है बिल्कुल सेट कर दूँगी। अभी मैं जो हूँ वो सारे तकिए जो है वो एक तरफ मैंने रख दिए हैं, और मैं बिस्तर जो है वो झाड़ रही हूँ, क्योंकि आजकल तेज़ हवा भी चल रही थी और मिट्टी भी बहुत उड़ रही थी। बारिशें शुरू हुई हैं इधर, तो उसके साथ ही तेज़ हवा होती है, तो मिट्टी सारी घर में आती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले चादर झाड़ रही हूँ। और एक तरफ मौसम इस तरह का होता है कि हवा चलती है, और जैसे ही बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत तपिश वाली धूप निकलती है। तकिए मैंने रख गए हैं उसकी जगह पर। ये वाला तकिया जो है ये मेरे रूम का है, तो ये मैं अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। मैंने अपने रूम की भी सफाई कर ली है, और बिस्तर बिल्कुल सेट कर दिया है, चादर झाड़ दी थी, और डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है। अभी शाहरान जो है वो नाश्ता करके थोड़ा सा पढ़ के और कंप्यूटर देख रहे हैं। किचन मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, और सारे बर्तन धुल चुके हैं, और सुबह सुबह सारे काम जो हो गए हैं वो कंप्लीट हो गए। तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, और मैंने दाल गरम कर ली है। तो दाल जो है वो अच्छी तरीके से गरम हो रही है, और इसके साथ ही मैंने जो है वो चावल थे रखे हुए वो मैंने निकाले, उनको भी गरम कर लूँगी। तो दोपहर का टाइम था, और आज थोड़ी गर्मी भी थी, तो थोड़ा लाइट ही हमने खाना खाया है, और दाल चावल तो वैसे ही गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं। चावलों पे मैंने दाल डाल दी है, और अब हम इसको खाएंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और वहाँ मैं बैठ के सुकून के साथ खाना खाऊंगी। और ये मैं बैठ चुकी हूँ, और अब मैं सुकून के साथ जो है वो खाना खाऊंगी, और उसके बाद जो है वो अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करूँगी। खाना मैं खा चुकी हूँ, अब मैं जो हूँ वो किचन में जाके प्लेट धो दूँगी, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो वहाँ से ले सके प्लेट धुली हुई। तो अगर आप साथ के साथ ही बर्तन धो लेते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो बर्तन जमा नहीं होते, और जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो बर्तन धुले हुए मिल जाते हैं। आप भी कोशिश किया करें कि जितना हो सके अपने किचन को जो है वो नीट एंड क्लीन रखें, ताकि आपको बवक्त ज़रूरत हर चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाए। अभी मैं ग्लास में निकाल रही हूँ पानी, और पानी पीने के बाद जो है मैं अपने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स थोड़े मिले थे वो कंप्लीट करूँगी।
असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे थोड़ी डेकोरेशन, क्योंकि आज शरान की है बर्थडे। उसके लिए हम थोड़ा सामान लेके आए थे डेकोरेशन का, तो वो हम डेकोरेट कर रहे हैं। और शरान खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप देख रहे हैं, वो खुद भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे थे। आज मैं बनाने वाली हूँ शरान की फेवरेट बिरयानी। मेरे चैनल पर बिरयानी की रेसिपी मौजूद है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देकर बताइएगा। ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और झटपट रेसिपी है ये, बिल्कुल आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। शरान को बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी और हम सबको भी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें मसाले थोड़े कम ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले हमारे घर में खाए नहीं जाते। तो हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी बिरयानी मेरी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पर मौजूद है रेसिपी। शरान के लिए लाए थे हम थोड़े टॉयज़। वैसे तो शरान ज़्यादातर कंप्यूटर गेम्स ही खेलते हैं, बहुत कम ही टॉयज़ से खेलते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैं उसके लिए ले आई। ये देखिए शरान कितनी हेल्प करा रहे हैं हमारी, और खुद भी एक्साइटेड हो रहे हैं कि आज बर्थडे है तो पूरा कमरा उनका डेकोरेट होना चाहिए। कमरा हो चुका है फाइनली डेकोरेट, थोड़ी चीज़ों के साथ ही हमने कमरा डेकोरेट किया है, लेकिन अच्छा लग रहा था कमरा डेकोरेट हुआ हुआ। क्योंकि जब आप अपने हाल में खुश रहना सीखते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होता है, आप बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, और पुरसकून जहन जो होता है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। सो ये है फाइनल व्यू, तो बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छा कमरा सज गया। और शरान बहुत एक्साइटेड थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके बच्चे खुश हो जाएं, जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो हमारे अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो फिर हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। अब फाइनली केक कट होना रह गया था और फाइनली केक कट हो चुका है, और शरान को हमने ये फोम ला के दिया था और वो सब पे स्प्रे कर रहे हैं। ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन, और बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।